वेलकम बैक टू अनदर दोस्तों, मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में, लवली नो के बारे में, मार्केट के अपडेट्स के बारे में और बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जिस तरह से पंप देखने को मिला है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप बीटीसी का क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेक श्योर दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा, पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपने टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े होंगे, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत चीज़ें यहाँ पर मिलती है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। जहाँ से बाइंग कॉल, सेलिंग कॉल, न्यूज़ अपडेट्स, र्यूमर्स, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर जानना भी होता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं हमसे और मैं खुद भी जो बाय करता हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट आप सबसे शेयर करता हूँ। सो दैट काफ़ी सारा चीज़ वो भी फ्री में मिल रहा भाई, तो नहीं जुड़े जाके जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं आज के आई थिंक न्यूज़ और अपडेट्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया वेब थ्री के अंदर ना क्रेज लोगों का टेलीग्राम को लेकर बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल भी उसी के रिगार्डिंग है कि वेब थ्री गेम सेंटर सिंप्लीफाइज रिलीजिंग मिनी गेम ऑन टेलीग्राम लाइक दैट। अभी आपने देखा हैमस्टर कॉम्बैट एक मिनी गेम ही है जिसको आप माइन कर सकते थे, एक तरह से गेम ही है, माइन करके आप पॉइंट्स अर्न करेंगे, उसका एयर ड्रॉप मिलेगा। बेबी डॉज कॉइन ने भी कुछ इसी तरह का न्यूज़ दिया है, उसके भी ऊपर भी बात करेंगे। तो और भी काफ़ी सारे अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे वेब थ्री गेम्स हैं जो कि यहाँ पर मिनी गेम्स लाने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर टेलीग्राम के ऊपर। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों टोन ब्लॉकचेन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ेगा, टोन ब्लॉकचेन के ऊपर भी हमें नज़र जो है रखने को रहेगा जी दोस्तों, ताकि हम उसका भी फायदा उठाएं। हालांकि अभी हम देखें तो टोन भी काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पर टॉप 10 में अपना जगह जो है वो बिल्कुल बना लिया है जी दोस्तों। INR के अंदर 618 रुपये चल रहा है जी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं टोन के ऊपर भी नज़र जरूर रखिएगा क्योंकि भाई इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा हाइप आ सकता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है क्योंकि भाई टेलीग्राम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहीं पर हम चार्ट की तरफ चलते हैं तो कल हमने ऑलरेडी आपको ये चार्ट हमने आपको शेयर किया था, सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं जी दोस्तों। यहाँ पर जो है अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर अब इसको होल्ड करना है। देखो इतना जल्दी हमें बुलिश भी नहीं होना है, ठीक है। आज का दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा पंप हुआ, आप देख सकते हो 1, 2, 3 पिछले तीन दिन का जो है ये कैंडल है जो कि आप देख सकते हो भैया सीधा पंप हुआ है और यहाँ पर जो ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर इसका क्या यहाँ पर नेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है? तो सिंपली अगर हम बात करें नेक्स्ट सिनेरियो की तो यहाँ पर सबसे पहले तो आज के दिन इसको होल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पर से कल के दिन यहाँ पर इसको सिंपल इसको सपोर्ट बनाना है, ये ट्रेंड लाइन को इसको सपोर्ट बनाना है 1 से 2 दिन। यहाँ पर अगर ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है स्टेबल रहा फिर यहाँ पर से एक पंप आने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा फिर यहाँ पर से पंप दोस्तों आ सकता है। अगर वहीं पर रिजेक्शन मिला तो फिर वापस से आपको इस जोन में आता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया हूँ, कल भी ऑलरेडी मैं आप सबको ये चीज़ें बोल रखा हूँ कि अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो फिर यहाँ पर इस जगह लगभग $55,000 के आसपास, $54,000 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है BTC। तो इसके ऊपर जो है नज़र जरूर रखिएगा। अब ये नहीं पंप हो गया तो आप खुशी के मारे उछल जाओ कि अब तो भाई नीचे आएगा ही नहीं, नहीं भाई अभी भी 2 महीने ऐसा है, जुलाई का मंथ भी BTC के लिए हमेशा ही रेड जोन ही रहा है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला रहा है जो कि हमने पास्ट में भी देखा है। तो जुलाई और अगस्त के मंथ में अभी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, अक्टूबर से आपको एक अच्छा खासा जो है मार्केट पंप लेता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दैट इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है ना थोड़ा सा आप जो है आई थिंक एक सीरियस में लेके चलिएगा, ज़्यादा खुश या ज़्यादा नाराज नहीं होना। बाकी जो लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है उसको तो भाई होल्ड करके ही रखना है, जो स्पॉट को अब में आपने बाय किया उसको कोई टेंशन है नहीं, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना सिर्फ वो सब चीज़ें वो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और नज़र रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन की, जो कि ऑलरेडी 13 की सीरीज में आ गया, 12-10 की सीरीज में आपको काफ़ी मौका मिला, आपने बाय किया नहीं किया आई डोंट नो, बट 200 मिलियन के आसपास अभी मार्केट कैप हिट हो चुका है। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है, अंडर 200 मिलियन मार्केट कैप के अराउंड आपके पास एक मौका है कि इसको आप बाय करके ग्रैब कर लो, 100x इजली ये दे सकता है। अभी क्यों इसके अंदर पंप आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमने आपसे शेयर किया था कि ये भी टैप टू अर्न का यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ला रहा है, 4 घंटे बचे हैं इसका गेम लाइव हो जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, में भी जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक में भी लाइव भी हो जाएगा और मैं उसको टेलीग्राम के ऊपर आपसे शेयर कर दूंगा सिंपल वाला टैप टू अर्न। देखो यार हैमस्टर कॉम्बैट अभी आया नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, वो अभी आया नहीं है लेकिन उसका हाइप है, देख लो कितना ज्यादा हाइप है, लेकिन ये तो ऑलरेडी बेबी डॉज कॉइन आ चुका है, जितना टैप करोगे उतना बेबी डॉज कॉइन ही अर्न करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइप और भी ज्यादा हो सकता है और इससे जो इसको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों मुझे जैसा लगता है और अच्छा खासा पंप हो सकता है, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है। सो दैट बेबी डॉज कॉइन के ऊपर नजर जरूर बना के रखिए और ये जो टैप टू अर्न का है ना वो जरूर जाके यूज कीजिएगा, मैं आपको आई थिंक
शेयर कर दूंगा यार जैसे ही ये लॉन्च होगा, ठीक है। इसके साथ साथ लवली नो भी काफी अच्छा हाइप बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी माइनस में ही है क्योंकि भाई मार्केट का सिनेरियो अब तो अच्छा खासा मार्केट पंप हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोग भी इसके अंदर जो है नाराज चल रहे क्योंकि सप्लाई तो डिक्रीज कर दिया लेकिन क्वाइंस काफ़ी सारे कम मिले हैं लोगों को। लेकिन यार सिंपल सा हम तो भाई इसके कोई ज़्यादा बड़े फैन तो नहीं है, लेकिन बस वही चीज़ें हैं 30th of July को इसका 3rd of anniversary है, अगर उसका हाइप मिल गया तो हम अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि बुल रन भी है इस बार, तो अगर नहीं भी मिला 30th of July को तो हम बुल रन के अंदर जरूर इससे 10x 20x तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कम से कम तो दे ही सकता है प्रॉफिट और हम बुक करके निकल जाएंगे। कोई हमारा लॉन्ग टर्म या फिर बियर मार्केट में इसको झेलने की कोई भी प्लान नहीं है भाई, तो हम इसी के अंदर इसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो मेरा जो ओपिनियन था, मेरा जो अपना खुद का जो प्लान है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है लवली नू को लेकर खासकर, तो ये चीज़ें आप भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं यार दोस्तों। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो बेझिझक कमेंट के अंदर पूछिएगा यार दोस्तों। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल जो हिट करना है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइए क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, आप नहीं जुड़े हैं तो मिस आउट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना है, गुड बाय।